मैं उम्मीद करता हूँ फिल्में देखने आए साथ में, मैं भी मिल लूंगा उनसे। यार मैं हमेशा खुश होता हूँ, जैसे मैं कह रहा था राजीव को भी, मैंने कहा हमें बहुत कम मौका मिलता है हमारे सिनेमा लवर से मिलने का। देखिए हम फैन से मिलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, एक आध सेकंड की बात होती है, लेकिन एक एक माहौल बनाना, एक तरीके से बैठना, बातचीत करना, जहाँ से मैं भी कुछ सीख सकूँ और कुछ अपनी ज़िंदगी के जो मेरे थॉट प्रोसेस है उनको बता सकूँ। कई चीज़ों पे हम मानेंगे कि तालमेल है, कई पे शायद बोलेंगे नहीं यार इसका नज़रिया अलग, मेरा नज़रिया अलग। सो इट्स ऑलवेज गुड टू कम टू अ प्लेस वेयर यू हैव सेंसिबल पीपल थिंकिंग अबाउट। फॉर मी आई वुड से सिनेमा इज़ एन अमेजिंग प्लेस, मेरी कर्मभूमि है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो लोग आए उनका इंटेंट सही हो, तो ऐसी जगह पे मुझे लगता है उन लोगों से मिलने का मौका जरूर मिलता है। ओके, आज ऐसे बहुत से हमने इंटरेक्ट किया है तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे आपसे जो टिप्स लेने वाले हैं एक्टिंग और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का जो है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कोई टिप्स देना चाहेंगे? यार मैं उनसे उनको दे दूंगा टिप्स क्या होता है। देखिए मैं आपसे पूछू यार कैसे करते हैं आपका काम जो करते हो, आप एक हद तक ही बता सकते हो, इवेंचुअली तो करना मुझे पड़ेगा, राइट? तो बातचीत में आप प्रोत्साहन दे सकते हो, यू कैन इनकरेज देम, यू कैन गाइड देम, यू कैन टेल देम, यू कैन गिव देम ट्रिक्स, यू कैन टेल देम हाउ टू स्टार्ट। बट इवेंचुअली मैं आपको अगर धक्का भी मारूँ एक कदम लेने के लिए, बाकी सारे कदम आप ही को लेने पड़ते हैं। सो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू व्हाट टू डू, आई कैन टेल यू व्हाट आई डिड। आई थिंक दैट ऑलवेज वर्क्स बेटर। सी आई डिड दिस, तो लाइक मैंने एक साल के लिए चावल खाना छोड़ दिया था जब मैं पतला होना चाहता था, क्योंकि मैं सिर्फ चावल खाता था पहले। अब वो मेरे लिए था, ये नहीं तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता तुम चावल छोड़ो पतले हो जाओगे, बट ये मैंने किया। अब आप सोचो कि यार मेरा फेवरेट खाना क्या है, मैं ये छोड़ना चाहूँगा, फिर आप शायद छोड़ दो। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बट आई ऑलवेज फील वेदर इट इज़ एक्टिंग, इट इज़ अ पर्सनल प्रोसेस। आई मीन यू विल मीट लाइक आई वाज विद माय फ्रेंड्स यस्टरडे, रणबीर एंड ऑल ऑफ अस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेज एवरीबडी हैज़ देयर ओन इन, इट्स इवेंचुअली व्हाट वर्क्स फॉर यू, यू नीड टू फाइंड दैट एंड होल्ड ऑन टू इट एंड होन इट। ओके, ऐसा सिनेमा लव है, ऐसी कौन सी मूवीज है जो हमेशा आपको इंस्पायर करती है? यार यू नो मैं जब नाइन्थ टेंथ में था, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था जैसे सब जानते हैं, मैं फिल्में बहुत देखता था। एंड देयर वाज अ फिल्म को लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स, जो एक इंग्लिश फिल्म है, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं एक्टर नहीं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं आई फील माई फादर्स फिल्म्स हैव हैड अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी। देखिए आप जब बड़े होते हो अनिल कपूर और बोनी कपूर के घर पर, तो कहीं ना कहीं यू सीन सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा। मिस्टर इंडिया मेरे घर में बनी है, मैंने देखी है बार बार, लगातार सैकड़ों बार, जैसे कि हर हिंदुस्तानी ने भी देखी है। ऐसी फिल्में बहुत इंस्पायर करती है। जब आप देखें DDLJ, जो मेरे बचपन की एक फिल्म है, मैं 10 साल का था, लगान, बिकॉज मैंने थिएटर में पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था इस तरह की फिल्म के लिए। सीटी बजाना एक चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअली ड्रम्स लेके वहाँ पे क्रिकेट मैच की तरह सेलिब्रेट करना, जब वो छक्के चौके लग रहे भुवन से, तो ऐसी कई फिल्में जो आप पे मतलब लीव अ मार्क एंड इम्प्रेशन। ओके सर, लास्टली पानीपत कंप्लीट हो चुकी है जी, डबिंग बाकी है, वो भी हो गई मेरी, वो मैंने वो मैंने वो परसों ख़त्म कर दी डबिंग। हाँ मेरी पहली पीरियड फिल्म है, बट उससे ज़्यादा मेरी पहली फिल्म है आशु सर के साथ, बहुत ही उम्दा डायरेक्टर। मैंने अभी लगान की बात की, सो आई थिंक ही इज़ समबडी हु जोधा अकबर लगान, ही इज़ डन अमेजिंग वर्क। स्वदेश बहुत मज़ा आया, बहुत बुरा लगता है कि फिल्म ख़त्म हो गई है ऑनेस्टली, बिकॉज उनसे सीखने को बहुत मिला। बहुत पेशेंट है, बहुत काम है, यू नो ही इज़ समबडी हु लाइक आई फील एनीबडी हु वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर और डायरेक्टर मस्ट मीट आशु सर, बिकॉज वो दोनों दुनिया में खेल चुके हैं। बहुत ही सॉर्टेड आदमी है, और जिस तरह से फिल्म बनाते हैं ना, आपको उनसे प्यार हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, और कई थोड़ा बहुत अफसोस भी हो रहा है कि ख़त्म हो गई। थैंक यू।